नमस्ते मैं हूँ सी ए कृति अग्रवाल फ्रॉम धार मध्य प्रदेश फिनटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं तो इस पर हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में है म्यूचुअल फंड के तीन ब्रॉड कैटेगरी होते हैं इक्विटी डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है यहाँ आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है इसीलिए रिस्क भी ज़्यादा होता है लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप किसी भी कंपनी को लार्ज मिड या स्मॉल कैप में उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है लार्ज कैप कंपनीज जनरली सेक्टर की वेल well स्टैब्लिश और लीडिंग कंपनी होती है वहीं स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो होती है लेकिन उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होती है नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं सेक्टर फंड जो स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे जैसे फार्मा बैंकिंग एनर्जी एट्सेट्रा नेक्स्ट टाइप होता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड जो डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट मार्केट कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट फंड होते हैं डिविडेंड इल्ड स्कीम फंडस जो स्टेबल सेफ लो वॉलेटाइल और कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन होता है ई एल एस एस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ये टेक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आपका पैसा तीन साल के लिए लॉक हो जाता है इसमें इन्वेस्ट करने से आपको इनकम टैक्स के ए सेक्शन में डेढ़ लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है नेक्स्ट फंड होता है थीमेटिक फंड जो पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करता है फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम तो ये फंड आपको कंस्ट्रक्शन सीमेंट आयरन एंड स्टील जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होती है डेट म्यूचुअल फंड्स जहां आपका पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे डिबेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी शेयर से ज़्यादा सिक्योर होते हैं इसी कारण उसमें रिस्क कम होती है और जहाँ रिस्क कम होती है वहाँ पर रिटर्न भी कम होता है इसीलिए डेट म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न एज कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कम होता है डेट फंड्स की भी अलग अलग कैटेगरी होती है जैसे गिल्ड जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं लिक्विड फंड्स जो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड जैसे 90 डेज की मच्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स में या कमर्शियल पेपर्स में वहीं मनी मार्केट में भी लिक्विडिटी हाई होती है लेकिन इनकी मचोरिटी एक साल तक की हो सकती है अदर ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फंड्स होता है हाइब्रिड फंड जहाँ आपका पैसा थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और थोड़ा पैसा डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है जिससे आपके रिस्क बैलेंस हो पाती है और इसीलिए इसे बैलेंस फंड भी कहा जाता है अदर टाइप्स होते हैं फंड ऑफ फंड्स यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है नेक्स्ट कैटेगरी है ई यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या इंडेक्स फंड्स जो पर्टिकुलरली इंडेक्स को कॉपी करते हैं यानी कि निफ्टी में जितनी कंपनीज में जिस रेशियो में पैसा लगा हुआ है ये फंड्स भी सेम रेशियो में वहां पर पैसा लगा देंगे म्यूचुअल फंड्स को उनके मैनेजमेंट के हिसाब से भी डिवाइड किया जा सकता है जैसे एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज फंड्स एक्टिवली मैनेज फंड्स में उनका फंड मैनेजर बहुत रिसर्च करने के बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर परचेज करने हैं या सेल करने हैं वहीं पैसिवली मैनेज फंड्स में आपका फंड मैनेजर इतना एक्टिव नहीं होता है म्यूचुअल फंड्स को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है ओपन एंडेड फंड्स क्लोज एंडेड फंड्स या इंटरवल फंड्स इंटरवल फंड्स में बहुत थोड़े ही फंड्स होते हैं मेनली म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड स्कीम्स में आते हैं ओपन एंडेड स्कीम में आप अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स कभी भी बाय या सेल कर सकते हो वहीं क्लोज एंडेड फंड्स में आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड यानी कि उस स्कीम के एन के समय पर ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर आपको उसकी मेचोरिटी तक वेट करना होता है लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम्स स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होती है जहां पर आप अपने यूनिट्स समय से पहले सेल कर सकते हो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड ये स्कीम्स में बहुत लेस लिक्विडिटी होती है इसीलिए वहां पर आपको बाय और सेल करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है ओपन एंडेड स्कीम अपनी कितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स इशू कर सकती है लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम में फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ही इशू किए जा सकते हैं आई होप अब आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के लिए पूरी क्लैरिटी है आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को प्रेस करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं थैंक यू